देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जोधपुर के पास से। मंगलवार को गवारिया बस्ती में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से हुई दो महिलाओं की मौत के विरोध में मृतकों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने बुधवार को दिन भर जोधपुर रामदेवरा सड़क मार्ग को रोककर 25 लाख रुपए के मुआवजे की मांग को लेकर ग्रेविस अस्पताल के सामने धरना दिया। शाम 5 बजे एसडीएम की तरफ से 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा हुई और नियमानुसार सरकार की ओर से राशि दिलवाने, परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से आबादी भूमि में भूखंड देने और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान निर्माण करवाने के साथ मासूम बालिकाओं को पालनहार योजना से जोड़कर पेंशन शुरू करने का आश्वासन दिया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने और परिजनों ने मिलकर रास्ता खोल दिया। दरअसल मंगलवार की रात 10 बजे एक बोलेरो चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए अपने घर के आगे बैठी हुई मीरा, विमला और सुशीला को चपेट में ले लिया। तीनों महिलाएं 15 फीट तक घिसटते हुए गंभीर रूप से घायल हो गई। ये महिलाएं अपने ही घर के आगे बैठी थी। इन्हें परिजन MDMH अस्पताल में लेके गए, लेकिन देर रात मीरा, जिसकी आत्मा जो आत्मा की गर्भवती विमला भी थी साथ में, उन दोनों का देहांत हो गया। हादसे में विमला की गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो गई। बोलेरो चालक तिवरी निवासी विक्रम सिंह ईंदा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार करने के बाद में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अपनी माँ और दादी को खो चुकी तीन मासूम बालिकाओं की मदद के लिए ग्रामीण आगे आए और करीब 1 लाख रुपए एकत्रित करके इन लोगों ने परिजनों को सौंपे हैं। हम लोग तो कल घटना के तुरंत बाद में पहुंच गए थे, इंजर्ड को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसके बाद में जो है दो डेथ की जब सूचना मिली, इन लोगों ने रास्ता जाम कर लिया था। रात में समझा कि रास्ता खोल दिया था, सवेरे जो है वापस जो है ये रास्ता जाम किया और आर्थिक सहायता के लिए मांग करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता मिले। SDM साहब आगे इस मामले में बात करने के लिए और जो आर्थिक सहायता प्रशासन दे सकता है उसके लिए इनको बता दिया गया। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं क्या तय करते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।